गुड इवनिंग इंडिया। इंटरनेट जहां हमारी जिंदगी को आज के समय में सरल और सुगम बनाता है, वहीं पर कुछ आपके लिए, आपके परिवार के लिए ऐसी चीज़ें भी लेकर आता है जो घातक हो सकती हैं। हमारा इशारा है डेंजरस इंटरनेट गेम्स की तरफ, जो ज़रूरी है कि बच्चे उनके बारे में देखें, जानें और उन्हें ना खेलें। तो ये फिल्म आपकी जागरूकता के लिए। मौसम का मिजाज बदल रहा है तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें। जहाँ मौसम करवट लेता है वहाँ पर आपके शरीर के भीतर बदलाव आते हैं, हवा में कुछ चीज़ें बदलती हैं, तो आपकी सेहत कैसे बनी रहे, आयुर्वेद की दृष्टि में आपको जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, डॉक्टर रीना अरोड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद जी। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जो कि हमारे देश की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, वो मौसम पर, मौसम की नब्ज पर गहरी नजर रखता है, पकड़ रखता है। तो मौसम जैसे बदल रहा है, अभी अभी सर्दी हल्की हल्की आई है, अभी तो कैड़ी सर्दी आनी बाकी है, तो ऐसे में आयुर्वेद कोई क्या पर्टिकुलर रेजीम सजेस्ट करता है, क्या कुछ जीवन शैली में चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करता है? जी, आयुर्वेद में हर एक ऋतु के लिए एक ऋतुचर्या एक्सप्लेन की गई है, जिसको सीजनल रिजीम कहते हैं। और जब एक सीजन नेक्स्ट सीजन में चेंज हो रहा होता है, जैसे एक सीजन अभी शरद ऋतु खत्म हो रही है और हेमंत ऋतु हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि पीक ठंड होती है, तो वो जो चेंजिंग पीरियड है, 1 वीक पिछली ऋतु का और 1 वीक जो नेक्स्ट ऋतु का है, वो 15 दिन को यमदंष्ट्रा काल बोलते हैं, यानी कि बहुत डेंजरस पीरियड है। उसमें हमें अपनी डाइट्स बहुत ध्यान से लेनी चाहिए, बहुत लाइट डाइट लेनी चाहिए, एकदम पिछले सीजन का डाइटरी रिजीम छोड़ना नहीं चाहिए और नए सीजन का डाइटरी रिजीम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खत्म नहीं हुई होती और ये पूरी शुरू नहीं हुई होती। अदरवाइज विंटर्स में बहुत रिच डाइट्स लेनी चाहिए, मधुर आम्लवन यानी कि मीठा, खट्टा और नमकीन रसों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और भरपूर घी और तेल का सेवन करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रिगरस एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। यस, और बॉडी पे ऑयल्स लगाने चाहिए ताकि हमारे ड्राइनेस ना हो, क्योंकि विंटर्स में ड्राइनेस सबको आती है। और इतना भी एक्सप्लेन किया गया है कि ऑयल को रिमूव करने के लिए आपको सोप नहीं यूज़ करना चाहिए, आंवला की पेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब ये नेचुरल है कि इसको आप सोप की तरह यूज़ कर सकते हैं, कि उसकी पेस्ट बनाइए, पूरी बॉडी पे उसको मलिए और देखिए अपने स्किन आप। और कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं, जैसे अगर अगरू है उसका धूपन करना चाहिए रूम्स में, वो बहुत फ्रेशनेस करता है और गर्मी देता है वो, तो इसलिए ये नेचुरल धूपन भी अपने रूम्स में करने चाहिए। और डाइट्स में बाजरा विंटर्स में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो गर्म होता है। और जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं, मक्खनी, दूध की जैसे मलाई है या उसका खोया है या रबड़ी है, ये सब विंटर्स में सजेस्ट किए गए हैं। उड़द की दाल विंटर्स में बहुत अच्छी होती है, इसलिए उड़द की दाल की पिनियाँ भी इसी सीजन में आती हैं। यानी कि जो चीज़ें जिनमें गर्मियों के सीजन में पाबंदी रहती है, जी, वो सभी पाबंदियां हट जाती हैं सर्दी के मौसम में। तो एक खान पान के लिहाज से मतलब एक बड़ा अच्छा टाइम है, पर ये जो भी हमारा ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, इसमें अमूमन कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी परेशानियां होने की संभावना रहती है? अभी ये शरद ऋतु खत्म हो रही है, शरद ऋतु में ज्यादातर पित्त कुपित होता है लोगों का, जिनको पित्त की प्रॉब्लम हो, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है जिनको, तो अगर वो एकदम विंटर्स का रिजीम शुरू कर देंगे कि ठंड शुरू हो गई है तो अब मुझे गर्म चीज़ें लेनी चाहिए, तो उनका पित्त और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगा, उनको और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। लोगों को रैशेस बहुत होते हैं इस सीज़न में, जिनको ये टेंडेंसी होती है रैशेस होने की, या जिनको एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो भी इस सीज़न में ज़्यादा होने के चांसेस हैं अगर आप विंटर्स का जो रिजीम है वो एकदम स्टार्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए धीरे धीरे उस रूटीन को शुरू कीजिए, एकदम पिछला रूटीन नहीं स्टार्ट करना है। वैसे भी मैंने जो ये विंटर्स का रिजीम बताया है, जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको गर्मी बहुत जल्दी होती है, उनको फ्रूट्स समर में भी, विंटर्स में भी नहीं छोड़ने चाहिए, उनको विंटर्स में भी लंच से पहले फ्रूट्स जरूर लेने चाहिए, ताकि हैवी फूड्स वगैरह जो वो ले रहे हैं उनसे उनको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। और सर्दियों में खास करके जो घुटनों की बीमारियां हैं या जोड़ों की बीमारियां, आर्थराइटिस है, वो भी क्या बढ़ जाता है? ठंड की वजह से घुटनों में पेन बढ़ जाता है, बीपी की प्रॉब्लम भी कईयों की एग्रीवेट हो जाती है गर्म चीजें ज्यादा लेने से। हार्ट पेशेंट्स के लिए ठंड टॉलरेट करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, जो ओल्ड एज के हार्ट पेशेंट्स हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं। और वैसे भी ऋतुचर्या जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका सिग्निफिकेंस है इसी उससे
जो हमारे बॉडी के पैरामीटर्स हैं मौसम के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, चेंज होते हैं. जैसे हार्मोन्स का सिक्रेशंस हैं, समर्स में कुछ अलग है, विंटर्स में थोड़ा सा डिफर करता है. लिवर के एंजाइम्स डिफर करते हैं, इसीलिए अलग अलग डाइट्री और लाइफस्टाइल चेंजेस आयुर्वेद में एक्सप्लेन किए गए हैं. इनका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है. ये ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं किए गए कि आप ये बॉडी पे लगाइए, ये आप नहाने में यूज़ कीजिए, ये आप खाने में यूज़ कीजिए, ऐसे आप रहिए. ये सब क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरनल चेंजेस होते हैं सीजन के चेंज होने से. नेचुरल जब बाहर ठंड होगी तो हमारे अंदर भी कुछ तो डिफरेंस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमें वो ना आए प्रॉब्लम्स, इसलिए सब डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए. आपने जैसे कहा कि घी का या मक्खन का या ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, वो इसीलिए करना चाहिए कि ताकि जो जोड़ हैं वहाँ पे चिकनाई बनी रहे, वहाँ पे चिकनाई बनी रहे. और हमारी इन दिनों में बॉडी की जो डाइजेस्टिव पावर है बहुत अच्छी होती है. अच्छा. और अगर हमारी अग्नि जो प्रज्वलित हुई हुई है उसको हम खाना नहीं देंगे, वो रिच डाइट जो उसको चाहिए, तो वो वायु कुपित होने के साथ साथ वो हमारी बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगी और अलग अलग जगह पे हमें और पेन्स भी हो सकती हैं. इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमें रिच डाइट्स लेनी चाहिए ताकि बॉडी के अंदर वायु कुपित ना हो, जिससे कि पेन्स होती हैं. तो जब हम आयुर्वेद में इलाज देखते हैं तो वो तीन, उसमें तीन प्रवृत्तियां होती हैं, वात, पित्त और कफ. सो क्या सर्दियों में सभी के लिए इसी तरह का रिच डाइट चाहिए या अलग अलग प्रवृत्ति के हिसाब से थोड़े से बदलाव होते हैं? थोड़ा सा बदलाव उसमें हम कर सकते हैं. जैसे वात प्रकृति वाले जो लोग हैं जिनका वात दोष प्रधान है, वो तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करें. जी. पित्त प्रकृति वाले घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें. कफ वाले तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करें. कफ वाले साथ में काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनको, कफ प्रकृति वालों को ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी होती है, वेट बढ़ने की टेंडेंसी होती है, तो ये जो रिच डाइट्स हैं इनको बैलेंस करने के लिए उनको रिग्रस एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए, ताकि दोनों काम हो, कि रिच डाइट्स वो ले रहे हैं और डाइजेस्ट भी हो जाएं, उनका कफ भी नहीं बढ़े और उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे. जी. और ड्राई फ्रूट्स जो हैं इस मौसम में, मतलब बिल्कुल खुले होकर खा सकते हैं, वहाँ भी थोड़ी राशनिंग करने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, इवन केसर भी ले सकते हैं उसके साथ, खजूर बहुत अच्छी है, छुआरे ले सकते हैं. ये ओरिजिनल चीजें हैं जो आप बिना सोचे समझे ज्यादा ये ले सकते हैं विंटर्स में, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए. और विंटर्स में एक चीज और भी होती है कि शरीर में थोड़ा सा आलस से आ जाता है. एक तो मौसम है वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप बहुत ज्यादा घर से या कोजी या कंफर्टेबल माहौल से बाहर निकलें. तो व्यायाम कितना ज्यादा जरूरी है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हम एक फिट इंडिया की तरफ बढ़ सकें. व्यायाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इतनी चीज़ें आपको खाने के लिए बोल रही हूँ तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा. क्योंकि आजकल रूटीन लोगों का लाइफ ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जितना आप रिच डाइट्स में अगर रिकमेंड कर रही हूँ तो उसके साथ एक्सरसाइज पहले है. ये नहीं कि आप बैठे बैठे ये सब खाते रहे, फिर डायबिटीज़ को बुला रहे हैं आप अगर आप कुछ नहीं करते तो. तो इसमें एक तो हो गया कि आपने कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कर ली, पर उसके साथ साथ प्राणायाम या मेडिटेशन, वो कितना इम्पॉर्टेंट है? मेडिटेशन प्राणायाम आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जितना मर्जी कोई एक्सरसाइज कर ले, ब्रेन हमारी बॉडी का उत्तम अंग है, उसको मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है. और प्राणायाम से हमारे लंग्स भी मेंटेन रहते हैं, ब्रेन भी एक्टिव रहता है, पूरी बॉडी की एक एक सेल तक ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है बॉडी के लिए. अब इस वक्त दिल्ली का जो माहौल है, पोल्यूशन जो है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही खतरे के निशान तक पहुंचा हुआ है, कहीं तो उससे भी नीचे है. तो ऐसे में कॉफ एंड कोल्ड, यानी कि जो सामान्य से नजला और जो खांसी लगता है वो काफी देर तक परसिस्ट कर जाता है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए डेली आप तुलसी का पानी पी सकते हैं. जिनको बलगम ज़्यादा आती है वो हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, काली मिर्च शहद में डाल के ले सकते हैं, अदरक का रस शहद में ले सकते हैं. और फिर भी अगर ठीक नहीं होता तो फिर उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कोई फर्दर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर सिंपल कफ एंड कोल्ड है तो इनसे वो ठीक हो जाएगा. जी. तो अमूमन आपके जो आपकी आप प्रैक्टिस करती हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो इस मौसम में लोग क्या गलतियाँ खास करके करते हैं? इस मौसम में लोग आइसक्रीम्स नहीं छोड़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं छोड़ते हैं, तो ये दिनचर्या और डाइट जो है इसको फॉलो अगर नहीं करेंगे तो नेचुरल है फिर प्रॉब्लम्स होंगी. एक चीज और, एक जनरल मिथ है कि कड़वी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, वो हमेशा हमें खानी चाहिए, जैसे नीम, आंवला. इस सीजन में जो विंटर्स, पीक विंटर्स आती हैं, उसमें ये तीन रस कम लेने चाहिए. कड़वा, कटु तिक्त कषाय बोलते हैं आयुर्वेदिक लैंग्वेज में, आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. एक कड़वा, एक स्पाइसी और एक एस्ट्रिंजेंट, ये तीन चीजें जो है कम लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे वायु बढ़ती है.
और अगर आपकी वायु बढ़ेगी तो आपकी पेन्स भी बढ़ेंगी और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी बढ़ेंगी जो आपको वैसे इस सीजन में नहीं होनी है. तो ये नहीं है, आप करेला इस सीजन में नहीं आता है. लेकिन लोग उसको पूरा साल खाते हैं कि नहीं नहीं मुझे शुगर है, मुझे ये है तो मैं खाऊंगा ये कड़वा. वो एक एक ग्लास सुबह पार्क्स वगैरह में नीम का जूस पीते हैं बिना बॉडी के रिक्वायरमेंट के. तो वो कुछ लोगों के लिए वो खतरनाक भी हो सकता है जिनको पेन्स की प्रॉब्लम है. अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप ज़्यादा कड़वा लेके अपनी पेन्स को बढ़ा भी सकते हैं. यानी कि सिर्फ अपनी समझ से या जो पॉपुलर इंटरनेट के माध्यम से या मैगजीन से सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर अगर जीवन शैली में आप बदलाव ले आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें खाना पीना शुरू कर देंगे जो बाहर से अपेरेंटली देखने में बहुत हेल्दी महसूस होती हैं, बट वो हो सकता है कि आपके शरीर की प्रवृत्ति के हिसाब से ज़रूरत नहीं है, ठीक ना हो. ठीक ना हो और शायद आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं. आप ऐसे ही अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं वो काला और कड़वा वो रस पी के. वो मैंने देखा है पार्क्स के बाहर लोग एलोवेरा करेला नीम ये सब ग्राइंड करके दे रहे होते हैं. बट उसको प्लीज़ किसी डॉक्टर से पूछ के लीजिए कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है या इसके अलावा कुछ चाहिए आपको. और अगर आप हम जैसे दर्द की बात कर रहे थे कि इस मौसम में दर्द जो है शरीर के पुराने सभी दर्द वो भी बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में हल्दी क्या वाकई में मदद करती है? हल्दी मदद करती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को थोड़ा सा पूछ के लेना चाहिए डॉक्टर से. गर्ल्स को हल्दी पूछ के लेनी चाहिए बिना ज़रूरत के. बच्चों को स्पेशली गर्ल्स को, कुछ लोग सुनते हैं हल्दी अच्छी है तो डेली वो हल्दी वाला दूध देते हैं. नो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स, क्योंकि ये एंटी फर्टिलिटी एजेंट भी है हल्दी. अच्छा, तो फिर ये लेटर ऑन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इसलिए बिना ज़रूरत के आप ये मत सोचो कि ये हर्ब्स हैं तो आप ब्लाइंडली आँखें बंद करके ले लो. इन पे भी रिसर्च हो चुकी है, इन पे भी काफ़ी काम हो चुका है. तो उसको डॉक्टर की एडवाइस से लें तो वो सोने पे सुहागा होगा. जी, यानी कि आयुर्वेद के मामले में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि चूंकि अक्सर ये कहते हैं कि आयुर्वेद के साथ तो ये है कि चलिए ठीक है, अगर फ़ायदा नहीं भी हो तो नुकसान नहीं होगा. तो ये बात कहाँ तक सही है? ये बात तभी सही है अगर आप डॉक्टर से पूछ के ले रहे हैं. अच्छा, क्योंकि वो आपको देख के दवाई देगा या हर्ब्स भी देगा तो देख के देगा जो आपको ज़रूरत है, बिना उसके नहीं देगा. लेकिन अगर आप खुद मेडिकेशन कर रहे हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे देख के, तो फिर वो रिस्की हो सकता है. अब जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को एलोवेरा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो पार्क्स के बाहर अगर वो जूसेस डेली पीती हैं तो एबॉर्शन हो सकता है उससे. तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक एक हर्ब्स का अगर उनकी मेडिसिनल वैल्यू है तो आप सोचिए अगर बिना जरूरत के कोई ले रहा है तो उसको भी तो इफेक्ट होगा. हाँ, अति तो किसी भी चीज़ की बुरी है. इस मौसम में एक त्वचा की जो ड्राइनेस है, जो बालों में जो डैंड्रफ है, उस तरह की समस्याएं भी बढ़ती हैं, तो आयुर्वेद उसके लिए क्या कहता है? जो त्वचा की ड्राइनेस है उसके लिए आप घर के लिए अगर आप मेरे से पूछो तो आप तिल का तेल फेस पे यूज कर सकते हो, देसी घी लगा सकते हो आप फेस पे. अदरवाइज कुछ मेडिसिनल ऑयल्स भी आते हैं, कुमकुम आदि तेल है, ये फेस के ग्लो के लिए है. नोज में ऑयल डाल सकते हैं हम, इससे फेस का ग्लो भी बढ़ता है, रिंकल्स भी लेट आते हैं, यूथ ज़्यादा देर तक मेंटेन रह सकता है. बालों के लिए बहुत अच्छा है ये, आईसाइट बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है इससे. तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं. बेसन आप लगा सकते हैं, हल्दी बहुत अच्छी है फेस के लिए. अगर आप उसको सिर्फ शहद में मिक्स करके फेस पे लगा लें तो आपको किसी फेशियल या फेस पैक तो की किसी भी प्रकार की त्वचा के लिए उचित है या हाँ, वो कर सकते हैं. मतलब उसके लिए भी कुछ खास उसके लिए वही डिफरेंस है. जैसे वात प्रकृति वाले जो लोग हैं, जो वायु जिनकी प्रेडोमिनेंट है, उनको ड्राइनेस ज़्यादा होगी. तो वो उसमें घी या तेल मिक्स कर सकते हैं. जो कफ प्रकृति वाले हैं उनका फेस यूजली ऑयली होता है, तो उनको ये मिक्स करने की जरूरत नहीं है. वो सीधा हनी में बेसन और हल्दी मिक्स करके लगा सकते हैं. जी, और आयुर्वेद एनर्जी के लिए क्या कुछ सजेस्ट करता है कि अगर आलस है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, आप एक्टिव रहें, तो उसके लिए भी कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं? एक तो व्यायाम तो डेफिनेटली है ही, पर क्या खान पान में भी ऐसा कुछ है जो कर सकते हैं? दूध में आप केसर डाल के ले सकते हैं विंटर्स में, बहुत अच्छा है वो शक्तिवर्धन के लिए. च्यवनप्राश ले सकते हैं आप, और अश्वगंधा ले सकते हैं जी. इवन ओल्ड एज में थोड़ा सबको ले लेना चाहिए ताकि वो उनकी जो ओल्ड एज है वो थोड़ा डिलेड हो जाए और जो उसके चेंजेस हैं वो उनको ज़्यादा अफेक्ट ना करें, क्योंकि उससे स्ट्रेंथनिंग बनी रहती है जी. और विंटर्स में पिनिया एटलीस्ट ले लेनी चाहिए सबको, क्योंकि वो एक नेचुरल पोषक द्रव्य है. बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए ये चीज़ें. जो आजकल की चीज़ें हैं जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह, उसकी बजाय अगर आप बेसन के लड्डू उनको देते हैं तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैं. तो ये चीज़ें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अच्छी हैं. आप जो चीज़ बता रही हैं वो बहुत स्वाद महसूस हो रही हैं, पर साथ साथ बहुत ज़्यादा रिच भी हैं. जो आजकल की जो जनरेशन है वो उसे अपने आप को फिट और पतला दुबला भी रखना है, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप नेचुरल डाइट्स लेते हैं
और फ्रूट्स सैलेड्स और घर का खाना लेते हैं जी, तो आप अगर पिनिया भी ले लें तो आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप एक्सरसाइज करें साथ में और खाने का भी एक पैटर्न होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, आपको मीठा सबसे पहले लेना चाहिए खाने से पहले जी, ये नहीं कि आप पूरा लंच आपने पेट भर के कर लिया पूरा और उसके बाद एक प्लेट आप डिजर्ट ले रहे हैं तो वो गलत है। तो हाँ, पहले आप मीठा लीजिए, फिर खट्टा, फिर नमकीन, फिर स्पाइसी, ये बस दैट्स ऑल। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो जो शरीर में कोई विकार पैदा होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। चलते चलते आप इस मौसम में कुछ टिप्स देना चाहेंगी जिससे हम लोग स्वस्थ रहें और जो छोटी छोटी बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं वो ना पकड़ें? जिनको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है जी, इस मौसम में हल्दी वाला दूध बीच बीच में ले सकते हैं जी, केसर दूध में ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथनिंग को मेंटेन करने के लिए लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। रागी का आटा ले सकते हैं आप, घी में भून के सेम उसको गेहूं के आटे की तरह यूज कर सकते हैं ताकि आपकी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग बनी रहे और थ्राइटिस की प्रॉब्लम जिनको है वो ना हो। बालों के लिए आप शिकाकाई वगैरह बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं, उसका पानी डाल सकते हैं ताकि जो ड्राइनेस वगैरह आती है, ये रफ हो जाते हैं पोल्यूशन से, आपको बार बार शैम्पू नहीं करना चाहिए, इनसे आप उनको सिंपल पानी डालिए तो देखिए आपके बाल वैसे ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। और बाकी जो रूटीन है वो अपना घर का खाना, दाल सब्जी रोटी और अच्छे से घी और तेल, लेकिन एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू डॉक्टर रीना अरोड़ा, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और जो आपने छोटी छोटी आसान आसान हमें टिप्स दी उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को ज़रूर लाभ होगा। आप स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रोग्राम के उस हिस्से तक आज पहुँचे हैं जहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं। आज हमने बात की आपके सेहत की, आपके अधिकारों की और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेशकश पसंद आई होगी, अपने सुझाव भी आप हमें भेज सकते हैं। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।